मकान है जौहर ब्लॉक 5 है, शेर मोहम्मद बलोच गोट है और यहाँ पे एक अंदोनाक वाकया पेश आया जिनकी बेटी और इनके नवासों के साथ ये वाकया पेश आया। वो साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताएंगे कि बेसिकली हुआ क्या था? ये दामाद ने खुद दिला दिए थे। रात का उस वक्त टाइम याद करेंगे क्या टाइम था? डेढ़ का टाइम था। तो उमूमी तौर पर सब सो जाते हैं, आप जाग रहे थे? मैं तो सो रहा था। ठीक है। दरवाज़ा बजाया उसने, टक 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 जोर से आवाज़ आई, मेरे को अंदर से आवाज़ दिया, मैंने बोला कौन है? इसलिए सुनता हूँ कम, मेरे कान में से रू डला हुआ है। सही है। फिर पीछे से मेरे बेटे दोनों उठ के आ जाते हैं, फिर हम तीनों बाहर निकले। जो बाहर निकले गेट पे खड़ा हुआ था ये बाहर। इसकी कंडीशन कैसी थी? घबराया हुआ था? नॉर्मल था, बोलता आवाज़ हो, मेरे बच्चों को किसी ने मार दिया, मेरे को बेगम को किसी ने कत्ल कर दिया। फिर हम यहाँ से भागे हुए, हम गए फिर उधर से पीछे उसका भाई भी आया हुआ था। यानी कि आपके दामाद का भाई आया? भाई आओ, फिर वो भी आया, फिर हम जो है अंदर चले गए कमरे में। अंदर कमरे से गेट, पहले गेट होता है, मेन गेट होता है, मेन गेट से दाखिल हुआ, मेरा बड़ा नवासा ने गेट के साथ ही पड़ा हुआ था। उसके फिर अंदर किचन के हिस्से में वो छोटा वाला पड़ा हुआ था। फिर अंदर कमरे में गया, तो मेरे बेटे छोटा वाला।